पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत के खिलाफ अवामी लॉन्ग मार्च का आगाज आज होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क्यादत में मज़ार क़ायद से मार्च का आगाज होगा। इस वक्त लॉन्ग मार्च के हवाले से कितनी तैयारी मुकम्मल हो गई है, मजीद तफसीला जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अरशद से। जी मोहम्मद अरशद, बताइएगा तो कैसी तैयारियाँ हैं? जी बिल्कुल, जो पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च है उसका आगाज आज कराची से जो है वो होने जा रहा है। आज सबसे कुछ देर पहले ही जो है हमारी वज़ीर इत्तला'आत सुबाई सईद गनी से जो है हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो तकरीबन 11 से 11:30 बजे के करीब जो है वो बिलावल हाउस से निकलेंगे, उसके बाद वो यहाँ पर पहुँचेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तब मैं हमारे कैमरा मैन इमरान खालिद आपको दिखाएंगे कि सामने ही एक ट्रक जो है वो नज़र आ रहा है। ये ही वो ट्रक है जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो सफर करेंगे। तकरीबन जो सफर है ये 2000 किलोमीटर का जो है वो बताया जा रहा है सफर तय किया जाएगा कराची से इस्लामाबाद का, क्योंकि जो है नेशनल हाईवे की से जो है ये काफिला जाएगा। जब यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचेंगे तो यहाँ पे पहले उनका खिताब होगा, खिताब के बाद यहाँ ही से जो है ये काफिला शुरू होगा। सबसे पहले ये काफिला जो है कराची में शाहरा कायदीन की तरफ जाएगा और शाहरा कायदीन से ये काफिला शाहरा फैसल पे और शाहरा फैसल से फिर ये नेशनल हाईवे के ऊपर जो है ये रवा दवा रहेगा। आज पहले दिन जो है ये काफिला पहले ठट्टा जाएगा, ठट्टा से सुजावल और सुजावल के बाद बदीन में जो है आज यहाँ पे इसका काफले का जो है वो यहाँ पे इख्तिताम पजीर होगा, वहाँ पे कयाम किया जाएगा 8 मार्च को बताया ये जा रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद हमें अपडेट कर रहे थे। और जो तहरीक है वो शुरू होने लगी है और इस हवाले से मार्च भी किया जाएगा।